दोस्तों, चांद्रयान 3 इसरो द्वारा निर्मित तीसरा मून एक्सप्लोरर मिशन है, इंडिया का मोस्ट अवेटेड। चांद्रयान 3 शुक्रवार 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 PM श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। इसरो के अनुसार चांद्रयान 3 की लॉन्चिंग बिल्कुल योजना के मुताबिक हुई है। जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले भारत दो मून मिशन चांद्रयान 1 और चांद्रयान 2 स्पेस में भेज चुका है। तो आइए जानते हैं चांद्रयान 3 के टॉप 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे चांद्रयान 3 के स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट बजट और लैंडिंग लोकेशन के बारे में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नंबर 1, चांद्रयान 3 एक इसरो मून मिशन है जिसका प्राइमरी पर्पस ये है कि जुलाई अगस्त 2023 की समय सीमा में चंद्रमा के साउथ पोल के पास ऊंचे इलाकों में एक लैंडर और रोवर स्थापित करना, एंड टू एंड लैंडिंग और रोविंग क्षमताओं का प्रदर्शन करना, साथ साथ मून की सतह और ऑर्बिट से कई साइंटिफिक मेजरमेंट भी करेगा। नंबर 2, चांद्रयान 3 में एक लैंडर, रोवर और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल हैं। लैंडर रोवर चांद्रयान 2 के विक्रम रोवर के समान होगा, जिसमें सुरक्षित लैंडिंग और घूमने की संपूर्ण प्रदर्शित करने में समर्थ है। इसे प्रोपल्शन मॉड्यूल द्वारा मून ऑर्बिट में ले जाया जाएगा, जो चंद्रमा के चारों ओर ऑर्बिट में रहेगा और कम्युनिकेशन रिले सैटेलाइट के रूप में कार्य करेगा। रोवर एक सिस्मोमीटर, हीट फ्लो एक्सपेरिमेंट और स्पेक्ट्रोमीटर के लिए जाएगा। नंबर 3, प्रोपल्शन मॉड्यूल एक बॉक्स जैसी संरचना है, जिसमें एक तरफ एक बिग सौर पैनल लगा होता है, शीर्ष पर एक बिग सिलेंडर होता है जो लैंडर के लिए माउंटिंग संरचना के रूप में कार्य करता है। मुख्य थ्रस्टर नोजल नीचे की तरफ है। इसका वेट 2148 किलोग्राम है और यह 758 वॉट पावर जनरेट कर सकता है। नंबर 4, लैंडर भी आमतौर पर बॉक्स के आकार का होता है, जिसमें 4 लैंडिंग लेग और 4 लैंडिंग थ्रस्टर होते हैं। इसका द्रव्यमान 1752 किलोग्राम है, जिसमें रोवर के लिए 26 किलोग्राम शामिल हैं, और यह साइड माउंटेड सौर पैनलों का उपयोग करके 738 वॉट पावर जनरेट कर सकता है। नंबर 5, लैंडर की रिएक्शन व्हीकल्स का उपयोग दिशा नियंत्रण के लिए किया जाता है, और प्रोपल्शन 4 800 एनथ्रॉट लेवल इंजन और 858 एनथ्रॉट लेवल इंजन के साथ MH और MNO3 बाइप्रोपेलेंट सिस्टम द्वारा प्रदान किया जाता है। कम्युनिकेशन के लिए एक्स बैंड एंटीना का प्रयोग किया जाता है। लैंडर सतह पर तैनाती के लिए रैंप के साथ एक कंपार्टमेंट में रोवर को ले जाता है। नंबर 6, रोवर एक रेक्टेंगल चेसिस है जो 6 व्हील रोकर बोगी व्हील ड्राइव असेंबली पर लगाया है। इसमें नेविगेशन कैमरा और एक सौर पैनल है जो 50 वॉट पावर जनरेट कर सकता है। यह RXTX एंटीना के माध्यम से लैंडर से सीधे कम्युनिकेट करता है। नंबर 7, क्या आप जानते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल 2148 किलोग्राम, लैंडर मॉड्यूल 26 किलो के रोवर सहित 1752 किलोग्राम, चंद्रयान 3 का कुल द्रव्यमान 3900 किलोग्राम है। नंबर 8, चांद्रयान 3 मिशन का लैंडिंग एरिया 2.5 मील × 1.5 मील और 69.37 साउथ लैटिट्यूड और 32.35 ईस्ट लॉन्जिट्यूड पर स्थित है। नंबर 9, अगर चांद्रयान 3 मिशन का लैंडर वहां सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है, तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा और यह एक बिगेस्ट अचीवमेंट होगी। केवल इतना ही नहीं, चांद की सतह पर लैंडर उतरने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। चांद की सतह पर अब तक अमेरिका, रूस और चीन ही पहुंच सके हैं। नंबर 10, चांद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीर मथुवेल हैं और इसका अनुमानित बजट 615 करोड़ रुपये हैं। जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडियन मूवी आदिपुरुष की बजट 700 करोड़ से कम है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।